ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेशन की बात सामने आने पर कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। 13 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया और नीदरलैंड ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल चीन के वुहान में कोरोना आउटब्रेक के बाद वहां से लोगों को निकलने की जल्दी थी। इस बार ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है। इसके बाद रविवार देर रात को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर डबलिन की फ्लाइट पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कई देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर गवर्नमेंट की कोबरा इमरजेंसी कमेटी के साथ आज बैठक करने वाले हैं। आधी रात से ट्रैवल बैन लागू करने के कई देशों के ऐलान के बाद हीथ्रो के टर्मिनल 5 पर लोगों की भीड़ लग गई। एयर लिंगुस की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के ओवरबुक्ड होने के कारण कई लोग इस फ्लाइट से नहीं जा पाए। वहीं डबलिन के लिए फ्लाइट पकड़ने आई एक पैसेंजर रेचेल स्कली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आयरिश गवर्नमेंट ने रात 10:30 बजे एक और प्लेन की व्यवस्था की है। यह फ्लाइट मिडनाइट बैन से 15 मिनट पहले डबलिन पहुंच जाएगी। एक अन्य पैसेंजर सियान ह्यू सोशल मीडिया पर ब्रिटिश एयरवेज और हीथ्रो एयरपोर्ट को कोसते दिखे। उन्होंने कहा कि आयरिश लोगों के लिए ना तो किसी तरह की फ्लाइट है और ना ही किसी तरह की सूचना। उधर हीथ्रो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी पैसेंजर से फ्लाइट स्टेटस और ट्रैवल एडवाइस चेक करने की अपील की। एयरपोर्ट की एक स्टाफ कैटी क्ले ने द आयरिश टाइम्स को बताया कि सैकड़ों की संख्या में पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने रात 8:55 वाली फ्लाइट नहीं मिलने पर अल्टरनेटिव फ्लाइट भी बुक करने की कोशिश की। वहीं हीथ्रो पर उमड़ी भीड़ को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्रिसमस के इतने नजदीक होने के बाद भी ट्रैवल का क्या फायदा, अब आपको 10 दिन के लिए आइसोलेशन पीरियड से गुजरना होगा, इसलिए ट्रैवल पर बैन करना जरूरी है।